अब हमने मैंगो के पल्प में मिल्क डाल दिया है। चलो भाई बस बस, ज्यादा मत गुड होने दो, वेरी गुड, बहुत अच्छा शेक हो रहा है, आप देख सकते हैं मैंगो के साथ। ये बीच में जूसर है और ये देखिए ये है मेलन। इसमें जो पीसीज हैं वो हमने पहले थोड़े कम डाले थे ना, इसलिए उसके पीसीज है, अदरवाइज ये अच्छे से बिल्कुल जूस बन गया है, बहुत ही टेस्टी भी बना, शेक तो बहुत अच्छा लगा। और ये तो गाइस हमने इसको पावर बैंक पे लगा दिया था, हमारी चार्जिंग खत्म हो गई थी। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल भारती व्लॉग्स। और जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम यूज़ करने वाले हैं पोर्टेबल जूसर। ये मार्केट में बहुत आया हुआ है पोर्टेबल जूसर, इससे बहुत अच्छा जूस निकल जाता है, मैंगो शेक बन जाता है। सॉरी टीवी ऑन हो गया, टीवी को ऑफ कर दूँ। तो ओजस भी बहुत जूस पीने का शौकीन है, रोज़ बोलता रहेगा मम्मी आज ये जूस निकाल दो, मुझे जूस पिलवा कर आओ। तो कभी कभी ऐसा टाइम नहीं होता है कि हम जा सकें। तो और मैं और पंकज जो हैं एक डाइट भी फॉलो करते हैं जिसमें हम शेक पीते हैं, इसको मिक्सी में शेक करके पीना होता है, और कभी कभी लाइट नहीं होती, और मैक्सिमम जब हम ट्रेवल करते हैं तो होटल्स में मिक्सी अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए भी मैंने सोचा क्यों ना पोर्टेबल जूसर मंगवा कर देख लिया जाए, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 400 समथिंग का है। तो मैंने आज मंगवाया है, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ही उसको यूज़ भी करके देख लूँ और आपको भी दिखाऊँ कि आपके लिए भी ठीक है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, आज के सारे यूज़ जो हम करेंगे ना, मैंगो जूस और जो भी अनार का जूस और चटनी भी बनाने वाले हैं, वो सब ओजस ही करेगा क्योंकि हमने लिया ही उसके लिए मेन लिए। तो चलिए चलते हैं। अरे ओजस चलो काम शुरू करें। करना क्या है यहाँ पर आज का? आपको जूस निकालना है, और वो भी एक तरीके का नहीं, चार फ्रूट्स का। ये बॉटल से जूस निकालोगे? हाँ। और तुम क्या बोल रहे हो? और ये तुम्हें खुद करना है, तुम मेरा दिमाग खाते हो ना, अब से तुम खुद ही जूसर से निकाल लेना। और ये इलेक्ट्रिक भी नहीं है, तुम्हें डर भी नहीं लगेगा और मुझे भी डर नहीं लगेगा कि कहीं तुम करंट ना खा लो इसका। अभी पहले मैंने रुको। तो चलिए आज ओजस निकालने वाला है इन फ्रूट्स का जूस, और किसी का ये शेक भी बनाएगा, जैसे मैंगो शेक परी को पीना है। परी आपको मैंगो शेक पीना है ना? हाँ बोल रही है वहाँ सामने। अनार जो है उसका जूस निकलेगा क्योंकि उसका शेक नहीं बनाएंगे। वो एप्पल है, एप्पल शेक भी बना सकते हैं। और ये है मेलन, एप्पल जूस बनेगा। चलिए पहले जूस बना लेंगे, उसके बाद हम एप्पल का जूस। हाँ ठीक है, अभी रुको। फर्स्ट ऑफ ऑल ओजस आप रेडी हैं? यस। सबसे पहले ये देख लीजिए, इतना सा ही ये जूसर है, ये है पोर्टेबल जूसर। ओजस दिखाओ, ये तो बॉटल लग रही है। हाँ तो ये पोर्टेबल इसलिए है, और ये बॉटल के इसीलिए शेप में है, जैसे हम जाते हैं ना मुंबई से अपने घर जाते हैं, तो रास्ते में अगर जूस का मन है या शेक पीना है, जैसे पापा डाइट ले लेते हैं, तो आप इसमें बना सकते हो इजी। जैसे आप रेडी है ना बिल्कुल? तो मैंने एक बोल करके बहुत सारे लाए हैं, अनार, एप्पल, मेलन और मैंगो और दूध। हाँ आज ओजस से बताने वाला है सारा, मुझे लगता है। तो मैंने एक एक बोल फ्रूट्स रख दिए हैं। तो सबसे पहले ओजस आप किसका, और ये ग्लास साइड में कर दो, इस ग्लास में हम जूस बनाकर डालेंगे। एप्पल का बनाते हैं, एप्पल का तो हम शेक भी बना सकते हैं, तो अभी साइड में रखो। पहले हम अनार का बनाएंगे, ठीक है? आप खोलो पहले अपना ये जूसर, खोलो इजी थोड़ा, पहले दिखा दो स्ट्रेनर भी है इसके ऊपर, वो दिखाओ। स्ट्रेनर यहाँ पर स्ट्रेनर भी है, वो भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैंने अभी ये जो मेरे घर आया था पार्सल्स को ओपन किया है। तो चलिए ओजस अनार डालो। इसमें जूस कैसे बनेगा? अभी बनेगा, आप डालो ना अनार, डालो कितना? स्पून से सारा डाल दो, सारा। हाँ आप इसको सीधा रखो, और नहीं स्पून से डालो। धीरे धीरे, स्लोली। बहुत बार होता है ना कि आप कोई काम कर रहे हैं या बाहर हैं, और बच्चे सोचते हैं कि मम्मा जूस पीने का मन कर रहा है, और जूस तो हमेशा फ्रेश ही पीना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। रियल का भी आता है, रियल का, पर वो रियल नहीं होता ना। अब इजली स्लोली इसको बंद करो आराम से, इसके ऊपर चूड़ियाँ बनी है वो इजली बंद कर दो, चूड़ियाँ मतलब इसको। अब देखो, अब नीचे रखो, बताओ बटन किधर है? ये वाला, ये ऑन ऑफ का बटन है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जाओ जस्ट। फर्स्ट टाइम बना रहा यहाँ पर, ऑन ऑफ का बटन है, और नीचे दिखाओ जस्ट, ये जो है यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं, चार्जेबल है, हमें एक वायर भी मिली है इसके साथ, इसमें होगी जस्ट, दिखाओ बॉक्स में दिखाओ। हाँ ये है इसकी चार्जिंग वायर, नीचे करो, इधर लेकर आओ, ये है इसकी चार्जिंग वायर, आपके पास वो घर में प्लग होता है, आप उससे उसको इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट फोन वाली वायर ही है। हाँ फर्स्ट जूस के लिए ओजस बिल्कुल रेडी है, तो स्टार्ट करें क्या? 1 2 3 तो ये स्टार्ट हो गया है, बहुत स्लो हो रहा है। ज्यादा डाल गया क्या? नहीं ऐसे कर दो थोड़ा सा इसको, अब रख दो नीचे, ऐसे करो, रख दो। बन रहा है, रखो। वाओ
थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। वेरी गुड, बस बस छोड़ दो। वाह, ओजस की खुशी देखो। अब रोक दो, ग्लास में पोर करो। गाढ़ा जूस है। बहुत गाढ़ा है क्या? हाँ, अनार है ना। वेरी गुड, कितना निकला है? ये एक अनार था, थोड़ा सा उसमें से खराब निकला था, तो एक अनार का आपको देख लीजिए हाफ, थ्री फोर, हाँ वन फोर्थ टाइप निकला, इतना निकला पिंकिश, क्योंकि मेरा अनार ऐसे ही था। तो चलो रुक जाओ गाइस, टेस्ट आज सबसे पहले उसे टेस्ट करेगा। अब सेकंड टर्म आती है, हाँ एक मिनट, अब सेकंड हम करेंगे एप्पल जूस। उसके लिए मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो हमने इसको क्लीन कर लिया है, ग्लास को भी कर लिया है। तो, हाँ, तो मैंने और जो जूस था वो इसमें, मैंने शेकर क्लीन कर दिया और जूस को हमने बोल में रख दिया अभी के लिए। तो चलिए बनाते हैं सेकंड जो एप्पल जूस। ओके चलो, और एप्पल जूस, अगर ओजस को एप्पल जूस अच्छा नहीं लगा तो उसको में हम मिल्क डाल के एप्पल शेक बना। तो गाइस हमने इसको पावर बैंक पे लगा दिया था, इसलिए हमारी चार्जिंग खत्म हो गई थी, हमने एक बार भी नहीं, क्योंकि जब से ये आया है ना तो परी ने इसमें पानी घुमा घुमा के बहुत अच्छा इसका टेस्ट ले लिया। गाइस इसमें एक चीज है कि पावर बैंक से भी कर सकते हैं चार्जिंग। हाँ ये तो ये चार्ज हो गया, अब हम निकालते हैं सेकंड वाला एप्पल शेक। एप्पल शेक बनाना है ओजस, एप्पल जूस और मेलन शेक। थोड़ा सा हम लिक्विड डाल रहे हैं इसमें ताकि इजी हो जाए। वो दूध नीचे चला गया। हाँ वो स्ट्रेनर में ऐसा बनता है। हाँ ठीक है, अभी तो चलो चलाओ, रख दो नीचे, नीचे रख दो, मे भी अब हो जाए, रख दो बच्चा, रख दो। अरे मेरे को शेक करना पड़ेगा, हम अटक जाते हैं। शायद छोटे पीसेस इसमें कट करने होंगे, मैंने बड़े कर दिए हैं, बड़े कर दिए। आप टेबल पर तो रखो, थोड़ा सा शेक करते रहना हो रहा है। और एप्पल में मैंने लिक्विड डाला है थोड़ा सा दूध शेक बनाने के लिए, अदरवाइज ये जूस तो नहीं निकाल रहा था खास। शेक हो गया यहाँ पर, लाओ इसमें मैं थोड़ा सा और मिल्क मिला देती हूँ, जिससे कि ये मैंगो शेक बन, मिल्क एप्पल शेक बन जाएगा मैंगो। चलो अब बंद कर दो इसको अच्छे से, अब मिक्स कर दो। बस 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 हो गया, अब बन रहा है, अच्छे से हो रहा है, बट इसके अंदर लिक्विड डालना पड़ेगा और बहुत छोटे बहुत छोटे पीसेस डालने पड़ेंगे। तो चलिए हो गया है, तो ये हो गया आपका एप्पल शेक। वाओ, सीधा रखो। तो ये देखिए, आप भी देख सकते हैं अच्छे से क्रश हो गया। इसमें बर्फ मत डालना बस। हाँ, क्योंकि ये छोटा सा है, एक ही बच्चे के लिए, एक ही इंसान के लिए बन सकता है ये। मैं सोचेगा कि चलो बड़े बड़े पीसेस डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस नेक्स्ट कौन सा जूस, मेलन। हाँ मेलन का जूस बनाया शेक। गाइस लाइक कर दो, लाइक कर दो नहीं, आप ओजस ऐसा करो, पहले आप शेक बना दो, इसका जूस निकाल के देखेंगे, अदरवाइज का शेक बन जाएगा। चलो डालो इसको, इतना ठीक है? नहीं नहीं सारा डाल दो, आप सारा डाल दो। चलिए देखते हैं कितने में क्रश होता है, छोड़ दो थोड़ा सा इसको शेक कर। हाँ इसमें और लिक्विड डाल देते हैं थोड़ा, है ना, पर दूध में मेलन, मेलन में दूध कोई नहीं डालता। मैं डाल रहा हूं, नहीं होने दो, इसका जूस बनाते हैं देखते हैं। ये देखिए, ये तो हो गया विदाउट दूध ही, क्योंकि बहुत सॉफ्ट रहता है। हो रहा है बिल्कुल जूसी जूसी बन गया बिल्कुल। चलिए अब ग्लास में मेलन की जूस की बारी। ये ज्यादा बना है वैसे भी। हाँ ये टू ही पीस थे, आप बना और भी ज्यादा डाल के बना सकते हैं। तो चलिए अब आ गया टेस्टिंग टाइम। हमने इसमें कोई भी अभी सैलेड सॉल्ट वगैरह कुछ डाला ही नहीं है। बेस्ट। ओके गाइस, अब बारी आ चुकी है हमारे फेवरेट मैंगो की। इतना बड़ा मैंगो है ये, पर इसको नहीं काटने वाले, हम लोग ने पहले से काट के रखा है और दूध भी रखे, तो जल्दी से बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्मॉल मैंगो कट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग मैंगो कट कर सकते हैं, और इसको बहुत छोटा ही काटना है, वैसे तो ये सॉफ्ट है, हो जाएगा। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं, ग्लास को साइड कर दो, धीरे धीरे डाल मजा। तो चलिए अब है मैंगो की टर्न, देखते हैं ये कितना होता है। वो जिसकी शर्ट से मिक्स हो गया, बस बस हो जाएगा वो। इसको ऐसे ऐसे थोड़ा कर, थोड़ा सा शेक करना पड़ता है। अब इतना, अभी हम लोग मैंगो डाल, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि मैंगो का जूस तो बनेगा नहीं, पल्प बन जाएगा। सारा डाल दूं? धीरे धीरे डालो, धीरे 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 धीरे, गुड वेरी। अब हमने मैंगो के पल्प में मिल्क डाल दिया है। चलो भाई बस बस बस, ज्यादा मत, गुड होने दो, वेरी गुड, बहुत अच्छा शेक हो रहा है, आप देख सकते हैं मैंगो के साथ वो बड़े पीछे ऊपर आ गए। तो हां पर ये हो जाएगा, ये फुल लास्ट बनेगा मुझे लगता है। गुड वाओ, चलो बंद कर दो, जो हो गया थोड़ा और।
हो गया बेटा, एक गेम तो है ही नहीं, अब बच्चों को कह भी नहीं सकते। चलिए ग्लास रखती हूँ और देखती हूँ कितना पल्पी और कितना टेस्टी निकलता है। टेस्टी लग रहा है। चलो जल्दी डालो इसमें, स्लोली स्लोली नीचे रखो, ग्लास नीचे रख दो, छोड़ दो आप, यहाँ डालो। वाह, और ये छोटा मैंगो था। अच्छा, मिल्क भी हमने ज्यादा डाला ना। नहीं, ये बीच में जूसर है और ये देखिए ये है मेलन। इसमें जो पीसीज हैं वो हमने पहले थोड़े कम डाले थे ना, इसलिए उसके पीसीज है, अदरवाइज ये अच्छे से बिल्कुल जूस बन गया है। बहुत ही टेस्टी भी बना था। शेक तो बहुत अच्छा। और ये है एप्पल, ये तो बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इतने इतने अगर मैंगो रह भी जाते हैं तो वो उसका टेस्ट अलग ही आता है। और इसको साइड कर दो। और ये है थर्ड, जो अनार का हमने बनाया था, इसमें बीज में वाटर डालना चाहिए। इसके जो सीड्स है ना वो अच्छे से क्रश नहीं हुए हैं, और ये निकल भी नहीं, में भी पानी डालकर इसको बनाएंगे तो आप निकल जाएगा, अदरवाइज जो ऐसे क्रश हो गया है। भाई लोग कमेंट में बताओ हम इन दोनों को वाटर डाल के वापस से बनाए तो इसका शॉट आएगा। हाँ, और ये है हमारा एप्पल शेक जो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसमें भी कुछ एप्पल के पीसीज हैं, बट ये वो पीसीज हैं क्योंकि ओजस ने पूरा नहीं डाला था, थोड़ा डाला था क्योंकि मैंने बड़े पीस काट दिए थे, अदरवाइज ये बिल्कुल ऐसे पल्पी बन गया था। देख रहे हैं ना कितने सारे ओजस ने आज शेक्स जूस वगैरह बना दिए हैं, और वो भी सिर्फ इतने छोटे से जूसर से जो पोर्टेबल है, बट हाँ उतना ही बना है क्योंकि इसके साइज इतना सा ही है जितना कि आपने मैंने वीडियो में आपको बताया ही है। बट हाँ वर्क तो करता है, ये 400 समथिंग का आया था और बहुत ही मतलब बच्चे बना सकते हैं अगर आप एप्पल काट के देंगे तो, अपने एक छोटा सा ग्लास बना लेंगे। तो जो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आज बनाकर? टेस्टी। गाइस हम लोग को ना बनाना शेक बनाएंगे, शॉट डालेंगे उसका। हाँ ये भी है। तो ओजस आज आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा बनाकर? खुद बना लोगे ना? मैंगो शेक नहीं पीऊंगा इसमें। तो चलिए ओजस तो एंजॉय करने जा रहा है अपने ये शेक्स और जूसेस जो ओजस ने बनाए हैं, परी दीदी को भी देना। तो मिलते हैं आपसे कल व्लॉग में, कल हम लोग बनाना शेक की शॉट डालेंगे। ओके,